करके आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और रास्ता में हम लोग जय जयकार करते हुए आ रहे हैं, प्रभु येसु का स्तुतिगान करते आ रहे हैं। प्रभु येसु हमारे राजा हैं, यही कहते हुए आज हम लोग इस समारोह में भाग लिए हैं और भाग ले रहे हैं। तो अभी हम लोग जो भी प्रवचन सुनने के लिए जा रहे हैं, जो भी प्रभु येसु के वचन सुनने के लिए जा रहे हैं, उससे पहले हम लोग और एक बार सबको मिलकर नारा लगाएंगे, जो नारा हम लोग लगाते आ रहे हैं। पूरे रास्ता में हम लोग नारा लगाते आ रहे हैं, प्रभु येसु की जय जयकार करते आ रहे हैं। आज हम लोग यही घोषणा कर रहे हैं कि प्रभु येसु हमारा राजा है, तो उसी को और एक बार हम लोग दोहराएंगे और हम लोग सब मिलकर कहेंगे प्रभु येसु हमारा राजा है, प्रभु येसु क्रिस्त हमारा राजा है। तो हम लोग जानते हैं कि राज्य यानी कि इस दुनिया को चलाने के लिए राजा लोग रहा करते थे और इस संसार को सीमांकन किया गया था, इसको राज्यों में बांटा गया था, सीमा में बांटा गया था, क्षेत्रों में बांटा गया था और इस संसार को देश में भी बांटा गया और इस देश को इस दुनिया को चलाने के लिए सरकार होती है, राज्य को चलाने के लिए भी सरकार होती है। और पहले जमाना में हम लोग जानते हैं अपने लोगों को चलाने के लिए राजा रजवाड़ होते थे और राजा ही अपने राज्य में शासन करते थे और अपने लोगों के लिए नियम कानून बनाते थे और नियम कानून के तहत ही अपने लोग अपने जनता अपने प्रजा राजा के बताए हुए राहों पर चलते थे और राजा के बताए हुए नियम कानून के तहत ही अपने जीवन जीते थे। उसी प्रकार की बात है और इस शासन काल में राजाओं के शासन काल में लोग राजा के शासन के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन राजाओं के शासन में हम लोग देखते हैं कि इसमें उतार चढ़ाव भेदभाव बनी रहती है। राजाओं के शासन में सरकार के शासन में लोगों के बीच में भेदभाव होते रहती है, ऊंच नीच भेदभाव देखा जाता है, धनी गरीबी के बीच में भी भेदभाव देखा जाता है। लेकिन आज हम लोग इस समारोह में भाग लिए हैं, आज हम लोग प्रभु येसु को ख्रिस्त को अपना राजा मानते हुए आज उसका जय जयकार कर रहे हैं, उसका गुणगान कर रहे हैं। सचमुच में ख्रिस्त हमारा राजा है। इस दुनिया को इस संसार को सीमांकन किया गया, क्षेत्र में बांटा गया, राज्य में बांटा गया, लेकिन प्रभु येसु का राज्य एक ही राज है। इस राज्य को विभाजित नहीं किया गया है, बांटा नहीं गया है। प्रभु येसु का राज्य है स्वर्ग का राज्य और प्रभु येसु स्वर्ग राज्य का राजा है। इस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए हमें प्रभु येसु सबों को निमंत्रण देते हैं, प्रभु येसु हम सबों को बुला रहे हैं। प्रभु येसु स्वर्ग का राजा है, हमारे मन हृदय का राजा है, हमारे दिल का राजा है। तो प्रभु येसु आज हम सबों को हर एक जन को अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए निमंत्रण देते हैं। प्रभु येसु शांति का राजा है, प्रभु येसु मुक्ति दाता का राजा है, प्रभु येसु क्षमा का राजा है, प्रभु येसु प्रेम का राजा है। प्रभु येसु के राज्य में किसी को ऊंच नीच भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, प्रभु येसु सबों को एक नजर से देखता है, एक दृष्टि से देखता है, किसी को भेदभाव किसी के ऊपर प्रभु येसु भेदभाव नहीं करते हैं। वही प्रभु येसु की जय जयकार करने के लिए हम लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं। हर माता पिता भाई बहन यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं प्रभु येसु की जय जयकार करने के लिए, जो प्रेम का राजा है, शांति का राजा है, क्षमा का राजा है, सहनशीलता का राजा है। आज हम लोग हर एक जन वही प्रभु येसु हमारे राजा की घोषणा करने के लिए निकले हैं, शांति का राजा का घोषणा करने के लिए निकले हैं, दूसरों को बताने के लिए हम लोग निकले हैं कि प्रभु येसु हमारा राजा है, शांति का राजा है, क्षमा का राजा है, प्रेम का राजा है, सहनशीलता का राजा है। आज प्रभु येसु के राज में प्रवेश करने के लिए हमें अपने आप में अपने जीवन में परिवर्तन लाने की जरूरत है। अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन लाते हैं तो
तो हम प्रभु यीशु के राज में प्रवेश कर पाएंगे। अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो हम प्रभु यीशु के राज में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु के राज में प्रवेश पाने के लिए हमें अपना जीवन में परिवर्तन लाना आवश्यक है, ताकि हम लोग प्रभु यीशु के राज में प्रवेश कर पाएंगे। तो आइए हम लोग इस समारोह में भाग लेते हुए फिर से प्रभु यीशु की जय जयकार करते हुए, उसका गुणगान करते हुए, उसकी स्तुति करते हुए हम लोगों को बताएं, कि प्रभु यीशु सचमुच में हमारे राजा हैं, ख्रिस्त हमारा राजा है, प्रभु हमारे प्रेम का राजा है, प्रभु यीशु हमारे विश्वास का राजा है। अगर हम प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे तो सचमुच ही अवश्य ही हम प्रभु यीशु के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे, और उसके राज्य में प्रवेश करके हम प्रभु यीशु ख्रिस्त के गुणगान, त्रित्वमय ईश्वर का गुणगान स्वर्ग में दिनों दिन करते रहेंगे। दूतों और संतों के साथ मिलकर हम प्रभु यीशु का गुणगान करेंगे। आइए हम यही प्रभु यीशु का घोषणा करते हुए फिर से हम आगे बढ़ते हुए प्रभु यीशु की स्तुति गान करते हुए लोगों को बताएं कि प्रभु हमारा राजा है, ख्रिस्त हमारा राजा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।